आज मैं बना रही हूँ समोसे, वो भी कुछ अलग तरीके के, तो आप लोग भी देख लेना कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। वैसे मैं समोसे बहुत अच्छे बनाती हूँ हाँ, और बस खाने वाले के मुंह में टेस्ट होना चाहिए, है ना। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ दो तीन आलू ले लिए हैं, इसको मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया ताकि ये अच्छे से और जल्दी से बॉइल हो जाए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। ये मैंने पैन में डाल दिए हैं और उसमें डाल रहा था पानी, पानी बॉईल हो गया, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी और इसको बॉईल होने दूंगी। तो ये तब तक बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम एक काम करेंगे, अपना जो मैदे का आटा है वो तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो जी यहाँ पे मैंने ये सारा सामान निकाल करके रख लिया है और अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा मैदा। एक कटोरी के करीब मैंने मैदा ले लिया है, उसमें डालूंगी ये अजवाइन, हाथों से थोड़ा सा मसल लेती हूँ। ये हो गई अजवाइन, अजवाइन बहुत अच्छी लगती है समोसे में। यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा नमक और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ये रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रिफाइंड ऑयल की जगह पे आप इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं, मुझे इसमें ये थोड़ा सा कम लग रहा है और डाल देती हूँ। इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ही ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है। दिखाती हूँ मैं अभी आप लोगों को, तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को यहाँ पे ये डो कि किस तरीके से चाहिए हमें। ये देखो बहुत ही अच्छा डो बना है। अभी इसको हम थोड़ा सा चिकना और कर लेंगे तेल लगा के, यहाँ पर मैंने इसको ऑयल लगा दिया है ये देखो, और इसको ढक के अब मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ आलू गले हैं या नहीं, आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं, इसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे आलूओं को निकाल लिया है। बस यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले मसाले बता देती हूँ, प्लेट में निकाल करके रख लिए है मैंने। ये लिया है मैंने आमचूर पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर, ये लिया है मैंने जीरा मन पाउडर, चाट मसाला, पिसा हुआ धनिया, मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, काली मिर्च पाउडर, ये लिया है मैंने भुना जीरा पाउडर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा ले लिया है मैंने हरा धनिया, और ये हमारे आलू जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे ना वो अच्छे से ठंडे हो गए थे, इसके लिए मैंने छिलके निकाल लिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ इसको बनाना। सारे मसालों को मैं इसके अंदर डालूंगी। तो यहाँ पे हमारा ये आलू का मसाला एकदम है रेडी। अगर आपको कुछ भी कम लग रहा है तो आप इसमें और थोड़ा सा डाल सकते हैं। एक डेढ़ चम्मच के करीब आपको मैदा ले लेना है। अब इसका हमें एक पेस्ट बनाना है। तो ये पेस्ट है हमारा एकदम तैयार, हमें कुछ इस टाइप से चाहिए। इसको हम एकदम स्लो फ्लेम कर देंगे इसकी, क्योंकि हमें ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। उसका एक रीज़न मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को कि हमें क्यों गर्म नहीं चाहिए। ये स्लैब मैंने एकदम साफ़ कर ली है। तो कुछ मैदे को हमने यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया है, और अब लेंगे हम ये वाला डो अपना, उसके ऊपर रखेंगे और इसकी एक बहुत बड़ी सी रोटी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये पूरी रोटी बिल चुकी है, और ये रोटी जो है ना इतनी बड़ी बिली है। और यहाँ से मैं दिखा दूँ हम लोगों को इतना पतला चाहिए, हमें ज़्यादा मोटी रोटी नहीं चाहिए। तो चलिए अभी मैं इसको कट करती हूँ कि किस तरीके से इसको कट करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से हम इसको सीधा सीधा कट करेंगे। और अब हमने ये जो बैटर बनाया था मैदे का, घोल बनाया था, इस मैदे के घोल को हम लगा देंगे यहाँ। तो आलू का हमने जो मिक्सचर बनाया था ना, तो वो हम इसमें रखते जाएंगे ऐसे करके, और फोल्ड करते जाना है। ये हुआ फोल्ड, के बाद में हम यहाँ से और यहाँ से इसको डिप कर देंगे, इसको बंद कर देंगे अच्छे से, ताकि ये इसका जो मसाला है वो निकलेगा नहीं फ्राई करते टाइम में, ठीक है। ऐसे ही करके हमने ये सारे बना लिए हैं, अब इसके अंदर हम डाल देंगे। यहाँ पे देखो ये कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। फ्लेम का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि फ्लेम को आप स्लो ही रखें, तेज ना करें। यहाँ पे ये आटा बच गया था तो मैंने सोचा इसके समोसे बना देती हूँ। तो अभी ये हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो दो यहाँ पे मैंने समोसे बना दिए हैं, इतने से आटे और मिक्सचर जो बचा हुआ था इसका स्टफिंग, उसमें से ये दो समोसे बने हैं। एक थोड़ा सा बड़ा साइज का बन गया है, एक थोड़ा छोटा साइज का, मीडियम साइज का बना है, जैसा आते हैं मार्केट में समोसे।
हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं ऊपर छत पे घूमने के लिए। काफी टाइम में और पता है बेचारी सूर्य देख रही है वो है कि उसे अंडे से तो हाथ नहीं लगा है, मेरे को कैसे बैठी है। तभी तो अपन वहाँ साइड नहीं जा रहे हैं ना, वो अपन को देखती तो बस ऊपर छत पे थोड़ा सा घूमने के लिए आ गई थी मैं। थोड़ा सा बोर लग रहा था मुझे नीचे, तो अभी थोड़ी देर में नमाज का भी टाइम हो जाएगा ईशा, फिर मैं जाऊंगी नीचे जैसे ही अजान हो जाएगी वैसे ही, तब तक मैं घूम लेती हूँ। और रात में थोड़ा सा सो गई थी मैं, नमाज असर की नमाज पढ़ने के बाद मैं सो गई थी और मगरिब से पहले मैं उठ गई थी। तो बस अभी सोचा थोड़ा सा घूम लेते हैं, बाकी सब लोग हैं नीचे और हम दोनों आए हुए हैं ऊपर। मैं इनसे भी बोल रही थी कि ऊपर चलो छत पे, लेकिन ये आए नहीं, तो हम लोग तब तक घूम लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी हम और आलिया घूम रहे थे और इनके चाचू और इनाया भी आ गए। ए क्या कर रही हो, चलो इधर चुप कर लिए उधर बैठिए। अभी चिड़िया उड़ गई थी और अभी फिर से आ गई है। वन टू थ्री राउंड वन छह। गाइस तो अभी जस्ट अब किचन में हूँ और किचन में मैं आई थी दूध को गर्म करने के लिए, तो बस वो गर्म हो रहा है साइड में और थोड़ा सा भूख भी लग रही थी। और सर मेरा जो है ना आज फिर से स्टार्ट हो गया है, सर में दर्द ऐसी कर रही हूँ तो इतना भारी भारी सा सर हो रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा पता नहीं क्या हुआ है। और बस यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, पाव भी मैंने सेक लिए हैं क्योंकि भूख लग रही थी। ये देखो मैंने कान वान में से सब कुछ उतार लिया है, इस ये वाला हाथ का कंगन मैंने कहीं रख दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, रखा तो वो रूम में ही होगा। तो सब कुछ मैंने उतार दिए हैं, कान वान के भी मैंने उतार दिए क्योंकि मैंने ना वो थोड़े भारी वाले पहन लिए थे तो उसे कान लटकने लगे हैं मेरे, तो इसलिए मैंने थोड़े दिन के लिए निकाल दिए हैं। और बस यही कह रही थी मैं आप लोगों से कि अभी जो लॉकडाउन है फिर से लग गया है, पिछली साल जैसा ही मतलब ऐसा ना हो जाए कि धीरे धीरे करके बढ़ा दिया जाए ये भी, क्योंकि पहले तो दो दिन का लगा था, अब ये 7-8 दिन का लग गया है, फिर आगे पता नहीं, अल्लाह ना करे वैसे फिर से ये लॉकडाउन लगे, क्योंकि पिछली बार जैसा मैं नहीं चाहती हूँ कि सारा सब कुछ हो, क्योंकि बहुत ही लोग मतलब जो है ना इतने सारे लोग थोड़ा सा भी संभले थे और वो फिर से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं उनके साथ में, कितने ज़्यादा लोग परेशान हुए थे ये लॉकडाउन को लेकर के कि अपने घर पे नहीं जा पा रहे थे, जो लोग बाहर काम करते हैं वो लोग वहीं फंसे रह गए थे, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को फेस करनी पड़ी थी और अल्लाह ना करे ये दोबारा से सारी चीज़ें जो है उनको फेस करना पड़े। पता नहीं कब तक हम अपने ही घरों में कैदियों जैसे कैद रहना पड़ेगा, समझ में नहीं आता है कि कभी ये सारी चीज़ें हटेंगी। बस अल्लाह करे ये सारी चीज़ें हट जाएं, पहले तो बुजुर्ग लोगों का था बच्चों का था, लेकिन अब तो बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चों का भी मतलब ऐसा हो गया है कि उनको भी कोरोना लग रहा है, उनको अपनी माँ से नहीं मिला जा रहा। आज मैं थोड़ी देर पहले न्यूज़ देख रही थी तो मुझे बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इतने छोटे छोटे से नवजात बच्चे हैं जो अभी हाल ही पैदा हो गए हैं उनको भी कोरोना हो गया है और उनको अपनी माँ से नहीं मिला जा रहा है। तो वहाँ की जो भी नर्स वगैरह हैं उन्होंने मोबाइल फ़ोन खरीद लिए तो वहाँ से ही वो लोग वीडियो कॉल पर बात बात करा देते हैं, बच्चों को दिखा देते हैं कि अभी कैसी सिचुएशन है उनकी, क्या है कंडीशन वगैरह सब कुछ है ना। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि अल्लाह पाक बस ये सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से। तो चलिए फिर आप लोगों से बातें करते करते, दूध भी गर्म हो गया है यहाँ पे, अभी मैं जा रही हूँ ऊपर और अब मैं आप लोगों से सीधा मिलूँगी सहरी में। ओके तो जी यहाँ पे हो गया है सहरी का टाइम, सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं अभी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ नीचे आते आते किचन में, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ही उठी और अलार्म जो है ना मैंने नहीं लगाया था, लेकिन अचानक से ही मेरी जो आँख है वो खुल गई थी। और बस यहाँ पे जिसे जैसे ही मैं नीचे आई फिर मतलब सहरी में ये सोचना पड़ता है कि हमें खाना क्या है, वैसे सुबह ही सुबह कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, चाय मुझे पीनी नहीं थी और दूध मुझे पीना नहीं था, तो फिर मैं खाऊँ क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और सहरी में खाना
थोड़ा सा ज़रूरी ही होता है। बिना खाए हम सहरी नहीं कर सकते हैं, मतलब रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो एक पराठा बना लेते हैं, जितना भी खिलेगा आधा आधा या एक पूरा तो एक ही बना लेते हैं। और बस यहाँ पर मैंने पराठा बनाया अपने लिए, तो आटा भी नहीं था किचन में देखा मैंने तो फिर मैंने आटा थोड़ा सा गूंद दिया और यहाँ पर मैंने अपने लिए एक पराठा बना लिया। अच्छा, आप लोग मुझे बताना कि आप लोग सहरी करते टाइम में क्या खाते हो। क्योंकि मुझे तो ना सुबह ही सुबह कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। और बस यहाँ पे देखो मेरा पराठा भी बन गया। और सहरी में मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं कुछ ठंडा खा लूं, लेकिन एकदम से ठंडा फ्रिज से निकला हुआ नहीं खा सकते हैं कोई भी फ्रूट्स वगैरह। तो बस फिर इसलिए मैंने नहीं खाया था, क्योंकि गला वैसे भी हमारा जो है ना ख़राब हो रहा है, अभी हल्की सी खांसी भी है मुझे, तो उसकी वजह से मैं ठंडा अभी कुछ भी नहीं खा रही हूँ। और बस यहाँ पर देखो हमारा पराठा, और मैं लूँगी मिर्ची का अचार। तो अभी चलिए ऊपर चलते हैं और सहरी करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही हूँ कि देखो टाइम हो रहा है 4:15, और हमारे यहाँ सहरी का जो सहरी का ख़त्म होने का टाइम था ना वो था 4:25। तो फिर मतलब 5 मिनट पहले तो वैसे ही ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने अपना जो टाइम है ना पूरा कम ले लिया था। और फिर मुझे अपनी दवाइयाँ भी खानी थी, तो बस यहाँ पर मैं अभी अपनी दवाइयाँ खा रही हूँ। तो सहरी मैंने कर ली है, सहरी का टाइम हो गया है ख़त्म, और अभी देखो साइलेंस भी बच चुका है, तो सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने सहरी जो है ना कर ली, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मुझे बिल्कुल मन भी नहीं हो रहा था सहरी वगैरह करने का। तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खाया तो जाता ही है, तो फिर मैंने बस एक पराठा बना लिया था अपने लिए और बस वो खा लिया है। तो मेरी सहरी हो चुकी है, क्योंकि टाइम भी कम था और साथ में मुझे कुछ खाना भी नहीं था, तो ये दोनों ही चीज़ें मेरे साथ में हुई। तो बस अभी मैंने सहरी कर ली है, और अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूँगी। आप लोगों ने सहरी की या नहीं मुझे कमेंट करके बताना, और आपके यहाँ का टाइम कितना है सहरी का पूरा होने का। और अभी अजान का इंतज़ार कर रहे हैं, अजान हो जाएगी फिर नमाज अदा करेंगे, और अभी फिर थोड़ी देर में मिलूँगी मैं आप लोगों से। तो जी फजर की नमाज़ अदा कर ली है, और ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो कि मैंने अपना ब्लॉग से शुरू किया था सहरी पे, अपना जो ब्लॉग है वो अभी ख़त्म कर रही हूँ। लेकिन अब मेरा जो आज से दिन शुरू होगा इफ्तार तक का, तो वो मैं कल की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।